अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। फाइनली ईद का चांद हमें दिख गया है, तो चलिए गाइस हम चांद रात वाले दिन क्या क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है हमारे घर में चांद रात का मेला। तो गाइस जितने भी बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी थे हमारे घर में, सब ने मेरे सामने हाथ फैला दिए थे, क्योंकि इस घर में नहीं आती किसी को मेहंदी लगानी सिवाय मेरे। गाइस तो दर्जी के सिले हुए कपड़ों से हमने जोड़ लिए हाथ, हमने जुगाड़ किया तो पता चला मशीन खराब। गाइस इतने धोखे तो सलमान खान को नहीं मिले जितने हमें चांद रात वाले दिन मिल रहे थे। अरे टेलर साहब, करण जौहर का कुर्ता नहीं, नॉर्मल इंसान का सीना था, कपड़े होते हैं डन। गाइस उस रात सबने मेहंदी लगाई और मैंने हाथों पे लिपस्टिक। ईद मुबारक एवरीवन। गाइस तो सुबह होते ही हमने अपना रुख मोड़ा किचन की तरफ और पढ़ी बिस्मिल्लाह, और हमारे घर के सारे जेंट्स जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने। गाइस छोले दही बड़े शीर किसी की भी रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो शर्माइएगा मत, आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए और कमेंट में लिख दीजिएगा प्लीज़ इसकी पोस्ट करिए रेसिपी। माशाल्लाह गुड गोइंग। गाइस तो हमारे घर में आए हैं कुछ भुक्कड़ दोस्त, उन्हें हमने खिलाया है नाश्ता पानी। गाइस टेबल देखकर जज मत करना, इंसान ही थे। गाइस ऐसी बात नहीं है, मैं भी कभी कभार तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस आज मैंने पहना है अपना रेड सूट, मुझे रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस ईद वाले दिन हम गए थे मारबिया। गाइस मारबिया की वाइब्स में कुछ नशा था, काफ़ी अच्छी मुझे वहाँ की वाइब्स लगी, काफ़ी अच्छा डेकोर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाइलिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। गाइस मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, आप ज़रूर विज़िट करिएगा। वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे पिज़्ज़ा, पेरी पेरी फ्राइज, मोहितो एंड ब्राउनी चॉकलेट शेक। गाइस वाइब्स के साथ साथ वहाँ का खाना भी काफ़ी परफेक्ट था। और गाइस आप ज़रूर जाइएगा और मुझे कमेंट में आके बताइएगा कैसा लगा। गाइस अब बारी आती है ईदी की, तो गाइस मुझे काफ़ी सारी ईदी मिली, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। ओके गाइस चलिए वीडियो ख़त्म होती है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।